सबको जय यीशु। आज मैं आपको धन्य मदर एनरिकेटा के दुखों के विषय में बताना चाहता हूँ। धन्य मदर एनरिकेटा एक ऐसी ईश्वरीय महिला थी जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकारा करती थी। आज मैं आपको उस आनंद के विषय में बताना चाहता हूँ जिसका अनुभव धन्य मदर एनरिकेटा ने अपने रोजमर्रा के जीवन में किया। वे ईश्वर की सर्वोत्तम कृति थी क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही छवि और अपनी समानता में बनाया था। बचपन में ही उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अर्पित कर दिया था। उनका बचपन बहुत से दुखों, कष्टों, संकटों और मृत्यु में बीता। उनकी युवावस्था में उन्होंने बहुत से संघर्षों को सहन किया। वे सहज ही हर दुख और हर दर्द को स्वीकार कर लिया करती थी। उसकी इन सहनशीलता के कारण ही हम उनके आध्यात्मिक जीवन की झलक पाते हैं। कॉन्वेंट में प्रवेश करते समय उन्होंने परमेश्वर से वादा किया कि मैं रोजाना कोई न कोई दुख अवश्य सहन करूंगी। तबियत ठीक न होते हुए भी वे अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्य में लीन रहा करती थी। अपने पास आने वाली हर धर्म बहन की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहती थी। वे उनसे कहा करती थी कि हम पवित्र जीवन तभी जी सकते हैं जब हम अपने दुख और अपने संघर्ष परमेश्वर को अर्पित करते हैं। 62 वर्ष की उम्र में उन्हें भयानक सीने का दर्द हुआ। उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना था, लेकिन वे अपने दुखों को नजरअंदाज कर अपने कार्यों में लीन रहा करती थी। वे अपनी धर्म बहनों से कहा करती थी कि हम संस्था के नियमों में बंधकर और प्रार्थना में रहकर ही अपना पवित्र जीवन जी सकते हैं। शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर होते हुए भी वे अपना जीवन प्रार्थना में जिया करती थी। उनके यही दुख उनकी जीवनदायी मृत्यु में सहायक बने। धन्यवाद।